नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कौशल पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज। स्वच्छकार समाज की आवाज के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन आज हम जो फेसबुक लाइव हुए हैं उसकी एक खास वजह है, और वजह यह है कि हम अपने स्वच्छकार समाज में जहां उन व्यक्तित्व को उल्लेखनीय कार्य जिन्होंने किया हो आप सबसे रूबरू कराते हैं। आज हम थोड़ा सा लेख से हटकर अपने चैनल पर और फेसबुक मित्रों के साथ बात करना चाहते हैं। आप सब से मेरा निवेदन है कि आज इस फेसबुक लाइव से आप मदद के लिए मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ, और वो भी करदम भाई मोदी के लिए। करदम भाई मोदी गुजरात से आते हैं और प्रिंसिपल हैं स्कूल के, पीपी पटेल हाई स्कूल के, हाई स्कूल चंदसामा में, डिस्ट्रिक्ट पटन के गुजरात में आप प्रिंसिपल हैं। कागजी प्रिंसिपल मैं कहूँगी, जो ऑथेंटिक होना चाहिए वो प्रिंसिपल हैं, लेकिन व्यवहारिकता में प्रिंसिपल हमारे सामने नहीं है। मैं तमाम दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि 49 साल के इस स्कूल के इतिहास में, 49 साल कम नहीं होता, 49 साल के इस स्कूल के इतिहास में एक भी नॉन पटेल प्रिंसिपल नहीं आया है। जी हाँ, कोई भी नॉन पटेल प्रिंसिपल नहीं आया। करदम भाई मोदी पहले ऐसे प्रिंसिपल बने थे जिन्होंने गुजरात का टेस्ट पास किया, और टेस्ट पास करने के बाद पूरी जो सरकारी प्रक्रिया होती है एक जॉब को लेने के लिए, वो सारी प्रक्रियाएं पार की हैं, और पार करने के बाद उनको लेटर दिया गया प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट का। लेकिन इसके बावजूद भी उनको ज्वाइनिंग करके जिस तरीके से उनको स्वीकार नहीं किया गया कि आप ये प्रिंसिपल का पद जो आपको मिला है, जो बाकायदा गुजरात सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है, वह एक तरह से निरस्त टाइप है, बेईमानी है, जिसकी कोई भी पे अभी तक इनको नहीं मिलती। भाई नरेंद्र, भाई करदम मोदी जी, आप MSc हैं, MEd मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स में आपने किया है जी। मैं सीधा आपके मुंह से दर्शकों के साथ रूबरू करवाना चाहती हूँ, दर्शक आपकी बात आपके मुंह से सुने। मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहती हूँ कि हमारा स्वच्छकर समाज की आवाज का मकसद और लाइव आने का मकसद करदम भाई मोदी का सहयोग करना है। हमारा चैनल ये मानता है कि जब करदम भाई मोदी खुद ये कहते हैं अपने मुंह से कि इतना सब कुछ होने के बाद कोर्ट में इनके पक्ष में डिसीजन आया, इसके बावजूद भी उनको तनख्वाह तक आज तक नहीं दी, सर्वाइवल का बहुत बड़ा सवाल उनके सामने है। तो करदम भाई मोदी, आप अपने परिचय को देते हुए अपनी बात की शुरुआत करें। मेरे साथ करदम भाई मोदी जुड़े हुए हैं, उनके 2-3 साथी भी जुड़े हुए हैं, हम उनके भी व्यूज इसके ऊपर लेंगे कि कैसे जातिवाद का घिनौना रूप हमें गुजरात में इस स्कूल में दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल के पद पे। हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बहुजन जो लोग हैं हमारे, बहुत कम वाइस चांसलर बनते हैं, बहुत कम प्रिंसिपल बनते हैं, बहुत कम प्रोफेसर की पहुंच तक पहुंच पाते हैं। उनमें से कुछ जो गिने चुके हैं वो किस तरीके से एक तरह से सारी जातियां सहन करते हैं, किस तरीके से सर्विस में रहकर उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आप OBC समाज से आते हैं, आपने मुझे कहा, मुझे मैं बधाई दूंगी करदम भाई मोदी के आपके आपके इस साहस की कि आपने खुद ये कहा कि आप मुझे लाइव करवाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात पहुंचाइए। मैं क्योंकि एक सरकारी पद पर ही मुलाजिम हूँ, इसके अलावा मैं करदम भाई मोदी की मदद उस तरीके से नहीं कर सकती। बस मैं एक काम कर सकती हूँ कि हम सब आपस में सहयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से करदम भाई मोदी की बात को सुने। जी भाई, आप अपनी बात विस्तार से बताए। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरी बात ऐसी है, मेरा परिचय तो मैडम जी ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। तो बात ऐसी है कि 2012 में पाटन जिला का जो चानसमा नाम का जो गांव है, वहां प्रिंसिपल के पद पर मैं आया था। ये पद पर आने के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देनी पड़ती है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी मैंने पास की और अच्छी तरीके से पास की। उसमें मैंने मेरिट में भी नंबर प्राप्त किया, और उसके बाद आई वॉज अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट ऑन दिस पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन दिस पर्टिकुलर स्कूल। द नेम ऑफ द स्कूल इज PP पटेल हाई स्कूल चाणसमा, डिस्ट्रिक्ट पाटन। अभी बात यह है
ये गांव में आई वॉज द प्रिंसिपल, नॉन पटेल प्रिंसिपल आफ्टर 49 years. तो ऑन द फर्स्ट स्टेप दे रिफ्यूज टू टेक मी. उन्होंने बोला कि भाई कोई और स्कूल ले लो, ये स्कूल में तुम काम नहीं कर सकते, ये हमारा स्कूल है और आप तो अभी नए नए हैं, आपकी कोई उम्र भी नहीं है. तो फिर मैंने उसके सामने आर्ग्यूमेंट किया कि भाई मैं ये सब कर सकता हूँ और ये मेरा व्यवसाय है और मैं जानबूझ के व्यवसाय में आया हूँ. इतना ही नहीं, मैं मेडिकल लाइन छोड़ के इस व्यवसाय में आया हूँ और शायद मेरे तरीके का आदमी पूरे इंडिया में भी आपको ना मिले कि जो मेडिकल लाइन छोड़ के ये टीचरशिप करने आया हो. तो ये सब आर्ग्यूमेंट आमने सामने हुई. फिर बात ये थी कि मुझे लेने के लिए वर कंपेल्ड टू टेक मी बिकॉज दे हैड नॉट एनी अदर ऑप्शन बिकॉज आई वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. तो वो लोगों ने ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया कि इसको अभी ले लो क्योंकि और कोई चारा नहीं है हमारे पास. वैसे तो डीओ ने भी नोटिस भेजा था कि इसको ले लो वरना आपका ग्रांट कट जाएगा, इसके लिए उन्होंने मुझे लिया. लेकिन लेने के बाद मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि मेरी जगह पर और कोई होता तो शायद प्रिंसिपल की ऑफिस में ही लटक जाता. क्योंकि रोज सुबह में स्कूल में आके वो गालियां बोलते, झगड़े करते और बार बार ये बोलते कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम यहाँ कैसे आ गए, ये तो हमारा स्कूल है, तुम यहाँ क्या करोगे, क्या कर सकते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है. और गांव के आलतू फालतू लोग भी आकर बोला करते थे. ऐसे लोग भी होते थे कि जिनका जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कोई पद भी नहीं था, सिर्फ उनकी बस एक लायकात थी कि वो लोग दे वेर ऑल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट. तो हमको तो वहां के वही जिले के हैं तो हमको सब पता चल जाता था कि इनको जो पेट में दुखता है वो अपनी कास्ट की वजह से दुखता है. फिर भी आई हैड ऑल्सो नॉट एनी अनदर चांस टू गो बैक. तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा टाइम काम कर लेते हैं और जब मौका मिलेगा तो यहाँ से निकल जाएंगे. तो मीनवाइल मैंने 3 साल उधर नौकरी की और बहुत अच्छी तरह से नौकरी की. लोग ऐसा बोलते थे, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो लोग और उनके जो पेरेंट्स है, गार्डियन है, वो ऐसा बोलते थे कि ऐसा प्रिंसिपल पिछले 25 साल में नहीं आया. क्योंकि हमने बहुत नए काम किए थे, स्टूडेंट्स के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप, रेपो वगैरह बहुत अच्छा था, तो काम बहुत अच्छा चल रहा था. तो वो लोगों को लगा कि अभी ये तो जम जाएगा अपनी स्कूल में और अगर जम गया तो फिर इसको निकाल नहीं सकेंगे. इसीलिए उन्होंने मेरे विरुद्ध में झूठे केस किए, जैसे करप्शन का केस किया, जैसे वायोलेंस का केस किया, गलत तरीके से स्कूल में अच्छी तरह से लोगों के साथ लड़ते हैं, बातें अच्छी तरह से नहीं करते हैं, इस तरफ का बहुत अभियान चलाया 3 साल तक. कितनी बार रोज सुबह होती थी और मैं स्कूल में जाता था तो इधर मैं खड़ा होता था और सामने पुलिस की जीप खड़ी होती थी. तो मैं कभी कभी सोचता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं हूँ. क्योंकि ये लोग क्या स्टेशन तक पहुंच गए हैं तो पुलिस भी बार बार आती थी, करीबन 25 बार पुलिस आई होगी मेरे स्कूल में 3 साल में. और कितनी बार मुझे भी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा. हालांकि पुलिस वाले लोग भी अंदर से समझते थे कि ये एकदम इनोसेंट है, लेकिन उनको भी कुछ प्रोसीजर करनी पड़ती थी. तो ये सब धमाल 3 साल तक चली. लेकिन मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं था, कुछ गलत काम नहीं किया था, मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, मैं कोई पकड़ में नहीं आया था और जो भी केस किए थे उस वो सबके सब में जीत जाता था. तो पुलिस में जो करप्शन का केस किया तो पुलिस ने भी सब तपास की और मुझे क्लीन चिट दे दिया कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो केस ही बोगस है. तो फिर उनको लगा कि ये इतना परफेक्ट आदमी है ये पद पर कि इसको हम सीधी तरह से तो नहीं निकाल सकेंगे. इसीलिए उन्होंने टेढ़ी तरह से मुझे निकाल दिया. मतलब कि मुझे गांव में से जो 4 जो बोलता है ना कि हमारी भाषा में क्या बोलेंगे, जो गांव में दादागिरी करते घूमते हैं वो टाइप के 4 आदमी लाके खड़े कर दिए और मुझे ये स्कूल छोड़ देने का डिसमिसल लेटर दे दिया. अभी लेटर जो मैंने लिया तो लेटर के अंदर डीओ का साइन भी नहीं था. तो मैंने उनको बोला कि भी तुम डीओ का साइन करवा के लाओ, डीओ का परमिशन लाओ. तो बोले कि वो सब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो सब तुम करो. मैंने बोला कि भाई अगर आप डिसमिस करते हैं तो डिसमिसल ऑर्डर तो आपको लाना पड़ेगा ना, अभी मुझे डिसमिस होना और मैं ही डिसमिसल ऑर्डर लाऊं. तो वो लोग नहीं माने और बहुत बड़ा झगड़ा किया, मुझे बहुत गंदा बोले वो लोग. और फिर मैं गया डीओ की ऑफिस में. तो डीओ का जो आदमी था उसका मतलब जो हेड क्लार्क होता है वो बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम कोर्ट में चले जाओ. फिर मुझे पता चल गया कि सबके सब मिले हुए हैं.
क्योंकि अगर कोई आदमी डिसमिस होता है और वो लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये बेसिकली इट इज रॉन्ग। तो फिर दूसरे दिन मैं कोर्ट में चला गया और कोर्ट में 2 साल के बाद मैं जीत भी गया, फुल फ्लैश जीत गया, क्योंकि मेरा कोई दोष ही नहीं था। मुझे जो लिख के दिया था उसमें उतना ही लिखा था कि भाई तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, इतना ही लिखा था। अभी काम अच्छा हो बुरा हो उसके वजह पर किसी को तुम डिसमिस नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, अथवा तो सबूत देना पड़ता है कि भाई क्या अच्छा नहीं है मुझ में। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है, मेरी भाषा गुजराती है तो मुझे गुजराती नहीं आती है, ऐसा कुछ तो बताना पड़ता है, अथवा तुमने 1 रुपये की चोरी की है ऐसा प्रूव करना पड़ता है। तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना ही लिखा था कि तुम्हारा काम यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड यू आर नॉट वर्किंग सेटिस्फैक्टरीली, बस उतना ही था, 2-4 लाइन थी सिर्फ। तो वो भी मैंने आपके ऊपर वो लेटर भी भेजा है, लेकिन वो गुजराती में है तो हो सकता है कि आपने न भी पढ़ा हो। तो बस इतना ही लिखा था कि योर वर्किंग इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो मैं कोर्ट में मैं जी लेटर्स जो डिसीजन है कॉपी है मैं शेयर करूं, स्क्रीन शेयर करूं अभी? हाँ जरूर दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूं। वो आपके ऊपर मैंने भेज दिया है, बिल्कुल मेरे पास है। मैं तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करती हूं कि बिल्कुल आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी लेटर्स थे वो लेटर्स जिस तरीके से पूरा पत्राचार जो है, हालांकि गुजराती में है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं सबको सब तमाम दर्शकों को जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब इसमें आपको दिखाई देगा। ये लेटर्स वो लेटर्स हैं जो करदम भाई ने पूरा इसमें इस दौरान केस के दौरान जो किया। हाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में। ये लोगों ने मेरे साथ जो हाँ ये प्रधानमंत्री का लेटर है जी। ये बताइए, ये मेरा डिसमिसल लेटर है। बस ये वाला डिसमिसल है, इसमें सिर्फ एक लाइन महत्व की है कि तुम अच्छी तरह से, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, बस इतना ही लिखा है। क्या कौन सा काम अच्छा नहीं है वो नहीं लिखा है, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, बस उतना ही लिखा है। तो इतने पॉइंट पर मुझे उन्होंने डिसमिस किया। भी ये दिखाना चाहती हूँ कि देखिए ये डिसमिसल लेटर की कॉपी है और इसमें जो रीजन दिया गया है करदम भाई को, मोदी को, जो खुद उन्होंने बताया है, ये रिटर्न में भी आप देख सकते हैं। ये करदम भाई जी का है, स्टॉप सैलरी। एक लेटर है, कोई भी बड़े अधिकारी को मुझे इंग्लिश में लिखना होता है तो मैंने इसका ट्रांसलेशन करके लिखा था, तो रखा था, तो उसमें सब डिटेल है किस के बारे में, जो अभी मैं बोल रहा हूँ वही है इसमें। तो सैलरी क्यों रोक दी गई फिर आपकी केस के दौरान? तो सैलरी तो जब तक, हाँ बस बस पॉइंट ही वही है कि वो लोगों ने क्या गफला किया मुझे भी पता नहीं है, लेकिन डीओ ने मेरी सैलरी रोक दी। अभी प्रश्न क्या है कि डीओ ने कोई इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं, कोई इंक्वायरी तो बिठा ही नहीं, और मैनेजमेंट वालों ने लिखा कि भाई इसका सैलरी स्टॉप कर दो, तो डीओ ने स्टॉप कर दिया। तो प्रॉब्लम इज देयर। और सबसे समझने वाली बात यही है कि अगर स्कूल का मैनेजमेंट बोले कि भाई इसका सैलरी बंद कर दो, तो क्या डीओ का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पूछने का? क्योंकि हमारा जो बॉस है, हमारा जो हेड है, वो तो डीओ है हकीकत में, क्योंकि हमको वी आर द एम्प्लॉय ऑफ डीओ मींस गवर्नमेंट। तो डीओ ने व्हाई डीओ डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन माय केस टिल टुडे, तो वो लोग मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैंने कितना आरटीआई किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो डीओ ने इलीगली मेरा, अनलॉफुली बोलते हैं, अनलॉफुली मेरा पेमेंट स्टॉप कर दिया है। और अभी तो क्या है, मैं ट्रिब्यूनल में जीत भी गया हूँ, फिर भी नो पेमेंट और नो ट्रांसफर एनीथिंग नथिंग। अभी जो ट्रिब्यूनल में मैं जीत गया और वो लोग गए हैं अभी हाई कोर्ट में अपील के लिए, तो अभी मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारा सब कोर्ट मैटर है ना, इसीलिए वी कैन नॉट हेल्प यू। तो मेरा प्रश्न सामने क्या है, कोर्ट में है उसकी कोई ना नहीं है, लेकिन मैं जीत गया हूँ, फुल फ्लैज जीत गया हूँ, कोर्ट ने मुझे निर्दोष साबित किया है, तो व्हाट इज अबाउट माय सर्वाइवल? मेरे पास मेरी दो डॉटर्स हैं और रियली मेरा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि अपना 3-4 होटल चल रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, रियली मेरा प्रॉब्लम है। अभी मुझे क्या घर घर जाके ट्यूशन व्यूशन करने पड़ते हैं,
तो लेकिन उसे भी क्या है, घर नहीं चल पाए। और अभी तो कोरोना था, तो कोरोना में तो ट्यूशन भी नहीं कर सकते थे, तो ये हकीकत में प्रॉब्लम है। तो इन शॉर्ट बात इतनी सी है कि अगर मैं कोर्ट में जीत गया हूँ तो मेरा सैलरी चालू क्यों नहीं है, और हाई कोर्ट में तो वो लोग गए हैं, तो ये तो 25 साल तक चलेगा। तो 25 साल तक मेरी सैलरी अगर चालू नहीं होगी तो मैं किस गुना है मेरा, मेरे कुछ किस गुना की मैं ये सजा भुगत रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे जो सैलरी नहीं मिली है ना, वही मेरा पनिशमेंट है। तो ये पनिशमेंट के लिए गुना कौन सा है? जी करदम भाई, आपने क्या जी SC ST सेल या OBC जो हमारा कमीशन है उसमें कुछ भेजा एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर? ये तो सीधा सा एट्रोसिटी एक्ट का मामला बनता है, और मैं तमाम दर्शकों से भी ये अनुरोध करूंगी कि आपने करदम भाई मोदी को सुना है, करदम भाई जी की आप अपील को सुनिए और सुझाव भी दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए अब आगे। क्या आपने कुछ इसके इसके बारे में सोचा करदम भाई मोदी? ना, मैंने कोई कमीशन, ये SC ST कमीशन में तो ऐसा कुछ डाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा गाइडेंस का भी, आई एम लैकिंग ऑफ गाइडेंस। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेजा था, तो वो लोगों ने, दिल्ली में है ना ह्यूमन राइट्स कमीशन, जी, तो वो लोगों ने ऐसा जवाब दिया कि भाई तुम्हारा कोर्ट मैटर है तो वी कैन नॉट हेल्प यू। एवरीवेयर देर इज अ सिंगल आंसर कि कोर्ट मैटर, कोर्ट मैटर। बट माय क्वेश्चन इज व्हाट, के भाई कोर्ट मैटर है वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं खाऊं क्या? मेरे खाने के लिए तो अगर किसी को जेल में डालते हैं तो भी सरकार उसको खिलाती है, तो मेरा तो कोई गुना ही नहीं है। ये इस तरह की बात है। तो कोर्ट मैटर जैसे कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा। करदम भाई, मैं एक चीज ये जानना चाह रही थी कि आप तो कोर्ट से तो केस जीत चुके, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप जीते, तो फिर उन्होंने आगे हाई कोर्ट में फर्दर केस डाल दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी अभी तो हमारे साथ हाई जो कोर्ट जुड़े में गए हुए अपील हैं, के लिए। जी हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं वो इस मैटर पे कुछ कहना चाहेंगे? करदम भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ये भाई साहब से हाँ, आपने कहा, क्लियरली आ हाँ रही है। उनको बोलिए कि कुछ कहना चाहेंगे इस मैटर पे। हेलो अभी मैं ये हेलो, जी, हाँ करदम जी हेलो, नमस्कार अंकल जी, मैं, नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार, मैं करदम का पप्पा बोल रहा जी हूँ। जी जी नमस्कार, नमस्कार अंकल। नमस्कार, थैंक यू। ये इन लोगों ने खून की धमकी भी दी थी। अंकल जी, अगर आप वीडियो भी ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, वीडियो भी क्या ऑन कर कहा? लीजिए। वीडियो वीडियो ऑन करो हम, जैसे हाँ वीडियो चालू, जी, चलो। हाँ वीडियो ऑन करना है। जी, वीडियो ऑन कर लीजिए अंकल जी, दास ताकि हम एक वीडियो दूसरे अच्छा, को देख पाए। वीडियो का चिन्ह कहाँ हाँ, पर इसमें जहां आपने म्यूट है? वाला हाँ जो रेड वाला बटन है उसके साथ ही वीडियो वाला बटन है। हाँ तो चालू हुआ। जी अभी नहीं हुआ, वीडियो नहीं हो पाया अभी तक। हाँ कोई तो बात नहीं, आप अपनी बात कहें, कोई दिक्कत नहीं अंकल जी, आप अपनी बात स्टार्ट, कहें, ओके कहना ओके चाहते ओके, स्टार्ट वीडियो, गॉट इट प्लीज अलाउ। નહીં આવડે રે બાજુ ના પડે બાપરે, કે તમે સાંભળો? હેલો, જી, હા આવી વિડિયો હા વિડિયો આ હા ગયા? જી અંકલ જી, જી, આ હા ગયા જી અંકલ જી, આ હા ગયા, હાં જી જી, આ ગયા, ये, આ ગયા हाँ અંકલ જી, ये, નમસ્કાર કરતી હું। નમસ્કાર, થેન્ક યુ। મેં કરદમ કા પપ્પા બોલ રહા હું। જી, ઇન લોગો ને ખૂન કી ધમકી ભી દી થી કે આપ યહાં સે ચલે જાઈએ વરના હમ ખૂન ભી કર સકતે હૈં, और इसके कारण हमें पुलिस का रिस्पांस लेना पड़ा और पुलिस ने उनको जामीन पर छोड़ा था। जी तो ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके सामने हम कोई ताकत नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमें तो गवर्नमेंट ही हेल्प देगी जी तो ही इसमें कुछ हो सकेगा। आपने प्रधान
प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को अपील की इसके लिए? हाँ, राष्ट्रपति पर करदम भाई ने खत लिखे थे और प्रधानमंत्री पर मैंने भी 2-3 खत लिखे थे, उनका जवाब भी आया था, लेकिन ये गुजरात सरकार वाले कुछ सुनते नहीं है, वो तो बस ऐसा समझते हैं कि हाई कोर्ट में एक केस है तो हम क्या करें। और हमने तो इतना ही कहा कि भाई आप पूरी नहीं तो आधी सैलरी शुरू कर दो, लेकिन इनके गुजरान के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। तो कोई कोई कुछ सुनता ही नहीं है, और हमारे पास ऐसे कोई है नहीं कि जो जिसको जिसके द्वारा हम सरकार पर प्रेशर ला सके। हम सामान्य आम आदमी है तो हम क्या कर सकते हैं। करदम भाई, भारूलता कामले जी ने मुझे आपका बताया था आपके बारे में, तो भारूलता कामले जी के साथ मिलकर yes. प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से या गुहार लगाएं, अभी यही किया जा सकता है, या आप भी मेरे ख्याल से हाई कोर्ट चले जाइए फिर, क्योंकि कोर्ट में उसके सर्वाइवल की मांग तो की ही जानी चाहिए। बाकी मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि दर्शक जो सुन रहे हैं हमारी बातचीत को, वो थोड़ा सुझाव दें। जैसे अभी विकास कुमार जी कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यही एक उपाय वो बता तो जी। तो अभी क्या है, हम भी हाईकोर्ट में तो हम भी गए हैं कि भी हमारा सर्वाइवल का प्रॉब्लम है और हम ये लोग मुझे ले नहीं रहे स्कूल में। जी। लेकिन क्या है कि हाईकोर्ट में इतना स्लो चलता है कि बस डेट पे डेट चल रहा है और नॉट एनी सॉलिड प्रोग्रेस। बाकी हाईकोर्ट में तो हम गए ही है। जी। तो आप क्या तो क्या, सर... तो क्या हो सकता है इसके लिए? मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और करदम भाई की मदद करें। मैं करदम भाई की मदद करने के लिए सबसे निवेदन करती हूँ, और खासकर हमारे जो नेशनल जो यूट्यूब चैनल्स हैं, शंभू कुमार जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा इस इशू को उठाए कि कम से कम जब तक हाई कोर्ट में केस चलता है करदम भाई का, तब तक उनको सर्वाइवल के लिए कम से कम पूरी तनख्वाह अगर नहीं मिलती तो आधी तनख्वाह दी जानी चाहिए। मैं तमाम दर्शकों से भी अनुरोध करूंगी कि करदम भाई जी का आप मदद करने के लिए आगे हैं, अगर कोई भी मदद आप किसी भी तरह की करना चाहें तो करदम भाई को से आप जुड़ सकते हैं, सीधा उनसे सीधा डायरेक्ट बात करिए। करदम भाई जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वगैरह आपसे शेयर कर देंगे। हमने फेसबुक पे लाइव करने का हमारा मकसद ही इतना था कि करदम भाई जी की मदद की जाए। नेशनल दस्तक और तमाम दिवायर और जितने भी हमारे यूट्यूब बहुजन दलित मीडिया जो है वो सारे के सारे, और खासकर मैं दिलीप मंडल सर से भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि करदम भाई की कानूनी रूप से भी जो मदद हो सकती हो वो मदद करें। करदम भाई, अंत में आप कुछ निवेदन करना चाहेंगे? जी। बस इसमें क्या है कि हर जगह एक ही जवाब मिल रहा है हमें कि भी कोर्ट मैटर है, कोर्ट मैटर है। तो अभी मेरा ही केस, मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि कोर्ट में रहे, लेकिन अगर केस कोर्ट में भी है तो भी आदमी को खाने के लिए तो चाहिए ना। ऐसा तो कोई प्रकृति का नियम है, नियम नहीं है कि अगर कोई कोर्ट में गया तो उसका उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए स्पेसिफिकली सरकार को सोचना चाहिए मेरे बारे में, मेरे लिए कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए। इसमें दो ऑल्टरनेटिव है, एक तो मेरी आधी सैलरी चालू कर सकते हैं, दूसरा मुझे दूसरी जगह पर काम पर रख सकते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम क्या बहुत नीचे के दर्जे के लोग हैं, आम आदमी हैं, तो इसीलिए लोगों को हम ध्यान में ना रहे और ये इस तरह की तकलीफ है। तो अगर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा करदम भाई जी की आवाज कट गई। मैं अंत में सभी से अनुरोध करती हूँ कि करदम भाई जी की मदद करिए, कानूनी मदद कीजिए और सलाह दीजिए उनको। कई बार बहुत सारी सलाह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आगे क्या करना चाहिए।
तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि करदम भाई जी से संपर्क करके उनके इस इशू को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वच्छता समाज आवाज चैनल की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से जो हमें देख रहे हैं वीडियो में, करदम भाई मोदी जी की मदद करने के लिए आगे आए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप मदद कर सकते हैं, आप कानूनी मदद कर सकते हैं, आप कमीशन के माध्यम से, अगर ओबीसी कमीशन एक्टिव हो और कोई अगर ऐसी कैपेसिटी में हो कि मोदी जी की, करदम भाई मोदी जी की मदद कर सके, वो आगे आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम दर्शकों का जिन्होंने आज फेसबुक माध्यम से लाइव मौका दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ। भारतलता कांबले जी इस इशू को लगातार उठा रही हैं, उन्होंने ही मुझे कहा कि आप करदम भाई जी की मदद करें, तो हमारे पास तो मदद करने का एक ही माध्यम है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक स्ट्रॉन्ग माध्यम है, तमाम लोग इस वीडियो को अपने चैनल्स पे चलाएं, इसके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि करदम भाई मोदी जी का जो इशू है, गुजरात सरकार तो देखे केंद्र की सरकार भी, ये जो SC ST OBC के साथ जो एक तरह से भेदभाव एक तरह से किया जा रहा है, जाति के आधार पर जो भेदभाव है उसको समानता का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि हम सब समान हैं, अगर समान है तो ये भेदभाव क्यों, ये प्रश्न के साथ में छोड़ती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।